वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ रहता है, और अगर रहता है तो प्रेगनेंसी में सेक्स कितने दिनों के बाद कर सकते हैं, और किन लोगों को प्रेगनेंसी में सेक्स करना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ दर्जनों सवाल होते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में खुलकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बात का आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हुई है, मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव हुई है, अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री बीमारी वाली नहीं है, या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कई बारी प्रेगनेंसी में ना नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पेट में दर्द या फिर बैक पेन, या कई बारी वजाइनली इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई जोखिम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और डॉक्टर ने आपको कोई वार्निंग नहीं दी है प्रेगनेंसी के लिए, तो आप सेफली सेक्स कर सकते हो। इससे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आपकी पार्टनर को, और ना ही होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आगे हम लोग कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अक्सर दोनों कपल्स को परेशान करती हैं, उनके दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन वो शर्मिंदगी के कारण, शर्म के कारण वो किसी से डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी पहली बारी किसी कपल को कंसीव होती है तो मेल पार्टनर के दिमाग में कुछ बातें घूमती हैं। इस सवाल का जवाब बिल्कुल ही सिंपल है। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो मेल पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट है वो वजाइना तक रहता है, ठीक है, उसको ये क्रॉस नहीं करता। और वजाइना का जो अगला पार्ट है उसको सर्विक्स कहते हैं, मतलब हिंदी में बोलें तो बच्चेदानी का मुंह, और इसके आगे बच्चेदानी होती है, ठीक है। और जो बेबी है वो एक स्ट्रक्चर में रहता है, एक सैक के अंदर, एक थैली के अंदर रहता है, बच्चेदानी के अंदर, ठीक है, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। और बच्चेदानी की जो मांसपेशियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं। और ये जो एमनियोटिक सैक है, इसके अंदर एक टाइप का फ्लूड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। जब कोई महिला फिजिकली कोई हार्ड वर्क करती है, या पेट पर कोई प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, या आप रिलेशन बना रहे हो तो पेट पर अगर प्रेशर पड़ भी रहा है, तो ये एमनियोटिक फ्लूड बच्चे के लिए एक गद्दी की तरह काम करता है और एक ढाल की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े तो बेबी इस फ्लूड के कारण सुरक्षित रहता है। दूसरा, एमनियोटिक फ्लूड के कारण बच्चे तक इन्फेक्शन आसानी से नहीं पहुंच सकता। वहीं जो आपको सबसे ज़्यादा बात डिस्टर्ब करती है कि बच्चा हर्ट तो नहीं हो जाएगा, बच्चे को चोट तो नहीं लग जाएगी प्राइवेट पार्ट के कारण, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर किसी कपल को कंसीव होती है तो 100 में से 50% फीमेल्स को ये टेंशन रहती है कि अगर प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाते हैं तो मिसकैरेज हो जाएगा, लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, या प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं है। देखिए, कुछ कंडीशंस की बात करें उसको छोड़कर, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और डॉक्टर ने आपको कोई वार्निंग नहीं दी, सेक्स करने के लिए मना नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेक्स करने से। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली जब इम्प्लांटेशन होता है, उस दौरान अगर आप सेक्स करते हो तो सेक्स करने के बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। स्पेशली तो जो इम्प्लांटेशन अगर फेलियर होने के चांसेस रहते हैं तो वो नहीं होता है। जिन लोगों को रिकरेंट मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, जिनका इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं होता है, और अगर कपल इम्प्लांटेशन के दौरान रेगुलर रिलेशन बनाता है तो उससे पेल्विक रीजन में एक तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, दूसरा एमिनो टॉलरेंस इंक्रीज होता है, जिससे बार बार गर्भपात होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे आपको डोपामाइन रिलीज होता है, या ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन रिलीज होता है, और भी काफ़ी सारे हॉर्मोन हैं, और इन हॉर्मोन के कारण
यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, ठीक है, और जो सीमेन है, जो वीर्य है, उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है। इन हार्मोन के कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कई बारी एब्डोमन क्रैम्पिंग भी होती है, और अक्सर जब रिलेशन होता है तो फीमेल्स इन कॉन्ट्रैक्शंस को लेबर पेन समझ लेती हैं और उनको लगता है कि अभी ब्लीडिंग हो जाएगी, अभी बेबी जो है वो बाहर निकल जाएगा या प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और जब लेबर पेन होता है ना तो उसका तो अलग ही साइन होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अक्सर डॉक्टर आपकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो अगर आपको बार बार मिसकैरेज होने की हिस्ट्री है या फिर अगर आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने की हिस्ट्री रही है, मतलब जो पिछली प्रेगनेंसी अगर आपकी जल्दी हो गई थी, आपको मिसकैरेज हुआ था, या फिर आपका एमनियोटिक सैक में जो एमनियोटिक फ्लूड है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि यूजली प्रेगनेंसी के छठे या सातवें मंथ में हो जाता है, तो डॉक्टर आपको सेक्स करने की एडवाइस नहीं देते, आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको जुड़वा बच्चे हैं, तिगड़ी बच्चे या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जोखिम वाली है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है, या फिर आपको मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपरली इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, या फिर आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क है, या फिर आपको प्रेगनेंसी के किसी टाइम पीरियड पर किसी वजह से ब्लीडिंग हुई और फिर आपको कुछ मेडिसिन देके वो ब्लीडिंग बंद हुई है, तो भी आपको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। अगर यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो गई, फट गई, और फिर आपको स्टिचिंग करके उसको ठीक किया गया, तो भी आपको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। अगर दोनों ही पार्टनर में से किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो भी आपको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी फीमेल की बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो भी आपको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर के मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं तो भी उनको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। अगर फीमेल पार्टनर को यूनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर वजाइना में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है बिना किसी रीज़न के, तो भी आपको सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये है कि आप एक दूसरे को टाइम देते हो, आप दोनों की जो इमोशनल बॉन्डिंग है प्रेगनेंसी में सेक्स करने से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगला जो बेनिफिट है वो ये कि जब आप सेक्स करते हो तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे जो स्ट्रेस हॉर्मोन है कोर्टिसोल वो डिक्रीज होता है और आपकी प्रेगनेंसी के टाइम जो एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन रहता है कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी में, वो डिक्रीज होता है। और टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और भी काफ़ी जो इमोशंस है जो फीमेल्स को परेशान करते हैं, उनसे उनका बीपी बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और सेक्स करने से जो पैल्विक रीजन है उसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है और जो बर्थ कैनाल है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप सेक्स करते हैं तो एब्डोमन क्रैम्पिंग होती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं बार बार, उससे आपकी पेन सहन करने की जो शक्ति है ना वो 75% इंक्रीज हो जाती है। और ये सारी बातें डिलीवरी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बात करें तो प्रेगनेंसी में सेक्स करने से आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, प्रेगनेंसी में सेक्स करने से एंटीबॉडी IgA इंक्रीज होता है, जिससे आपको जो सामान्य इन्फेक्शन है कोल्ड एंड फ्लू जैसा वो आपको जल्दी से होता नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को पता नहीं होगा कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना एक पेन किलर का भी काम करता है, इससे फीमेल्स का जो बॉडी पेन है वो तो कम होता ही है, साथ ही जो नींद ना आने की समस्या है वो भी दूर होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जब आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करते हैं।
तो आशा करता हूँ गाइस कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे